नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल अमित ब्लॉग्स पर। तो आज हम आ चुके हैं इंदौर श्री राम मॉल में और अभी आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, पूरा लाइव स्टॉक दिखाने वाले हैं जो कल नीलामी होने वाली है श्री राम मॉल में। 10 फरवरी 2024 को नीलामी होने वाली है, उसका पूरा स्टॉक बताएंगे। तो ये मिस कॉल नंबर है, आपको यार्ड में घुसते हुए मिस कॉल देना होता है और ये लिस्ट लगी हुई है जो नेक्स्ट ऑप्शन होने वाले हैं श्री राम मॉल इंदौर में फरवरी महीने के अंदर, उसकी लिस्ट है। उसी के साथ अभी हम अंदर चल के आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे और साथ ही साथ हम 44 लोकेशन जो 44 लोकेशन में कल नीलामी होने वाली है ऑल इंडिया लेवल पे, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप टाइम वेस्टिंग क्लब से पहुँचकर गाड़ियाँ खरीद सकें। तो अभी हम जो गाड़ियाँ देखने वाले हैं वो पूरी देखेंगे। 170 गाड़ी के आसपास कल श्री राम मॉल इंदौर में स्टॉक नीलाम होने वाला है। तो ये पूरा श्री राम मॉल इंदौर का यार्ड है, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ अभी हम आपको बताएंगे कि किन किन लोकेशन में कितनी कितनी गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। तो अभी हम आपको ऑप्शन हॉल भी दिखाते हैं, उससे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर देख लेते हैं। श्री राम मॉल इंदौर का रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहीं से आपको आकर टोकन प्राप्त करना है। 20,120 रुपये जमा करके आपको फॉर्म भर के एक टोकन प्राप्त करना है, यहाँ से टोकन के माध्यम से आप बिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये रास्ता है श्री राम मॉल के अंदर जाने का, ये ऑप्शन हॉल है, यहाँ पर आपकी सीटिंग रहेगी और जो सामने आपको फ्लैग दिख रहे हैं वहाँ पर गाड़ियाँ चल कर आएंगी, तो आप यहाँ पर आकर गाड़ी परचेज कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं स्टॉक देख लेते हैं टू व्हीलर का पूरा। तो हमारे पास ये स्पोर्ट 2022 मॉडल अवेलेबल है जो कल नीलामी में आपको देखने को मिलेगी। सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, उसी के साथ TVS राइडर भी आपको देखने को मिल जाएगी, 2023 मॉडल की गाड़ी है। उसी के साथ स्प्लेंडर भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि 2022-23 मॉडल गाड़ी भी मिल जाएगी आपको। इसके साथ में और भी हमारे पास टू व्हीलर हैं, तो आप बैकग्राउंड में गाड़ियाँ भी देखते रहें और हम आपको बता देते हैं कि किन लोकेशन में कहाँ कहाँ तक कितनी कितनी गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। तो श्री राम मॉल इंदौर में जो स्टॉक रहने वाला है वो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कमर्शियल, हेवी कमर्शियल सभी प्रकार की गाड़ी आपको देखने को मिलने वाली है। तो इंदौर में 177 गाड़ी के आसपास की कल नीलामी होने वाली है। उसके बाद मध्य प्रदेश की दूसरी लोकेशन है जबलपुर, वहाँ पर 92 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुजरात की कुछ लोकेशन के बारे में। तो गुजरात में हमारे पास अहमदाबाद में कल नीलामी होने वाली 74 गाड़ियों की नीलामी है। इसी के साथ में आपको वडोदरा में नीलामी देखने को मिलेगी, गुजरात में 107 गाड़ियों की नीलामी वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सूरत में नीलामी देखने को मिलेगी, 55 गाड़ियों का स्टॉक वहाँ पर भी नीलामी में है। बैकग्राउंड में आप जो पूरा स्टॉक देख रहे हैं ये पूरा स्टॉक श्री राम मॉल इंदौर में कल नीलाम होने वाला है। तो आप जरूर आइए 20,120 रुपये लेकर, आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर और गाड़ी हुई है नीलामी से। और अभी हम नेक्स्ट जो लोकेशन हमारे पास बचती है गुजरात की, तो गांधीधाम, यहाँ पर 17-20 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। उसके बाद हमारे पास राजस्थान के कुछ लोकेशन है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। राजस्थान के अजमेर में नीलामी होने वाली है जिसमें आपको लगभग 26-30 गाड़ियाँ नीलामी में देखने को मिलने वाली है। उसके बाद राजस्थान के जोधपुर में कल नीलामी होने वाली है, 124 गाड़ी के अराउंड वहाँ पर भी आपको कल नीलामी में देखने को मिलेगी। उसके बाद में राजस्थान के बीकानेर में कल नीलामी होने वाली है, 110 गाड़ियों का स्टॉक वहाँ पर नीलाम होने वाला है। उसके बाद राजस्थान के सीकर में नीलामी होने वाली है, 73 गाड़ी का स्टॉक वहाँ पर भी आपको नीलामी में देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो हमारे पास अगली लोकेशन है वो महाराष्ट्र की है जिसमें नासिक में कल नीलामी होने वाली, 72 गाड़ियों का स्टॉक वहाँ पर नीलाम होने वाला है। और मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में नीलामी होगी जिसमें 171 गाड़ी का स्टॉक पर नीलामी में आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद एक लोकेशन और महाराष्ट्र की हमारे पास बचती है कोल्हापुर, जहाँ पर 73 गाड़ी की नीलामी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो आप बैकग्राउंड में पूरा स्टॉक देख रहे हैं ये श्री राम मॉल इंदौर में है, जिसमें हमारे पास i20 आस्था 2014 मॉडल की गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में CNG फिटेड गाड़ी है, तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। उसी के साथ एक गाड़ी 15 मॉडल हमारे पास ये भी अवेलेबल है, टियागो है। और उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारा स्टॉक है, तो अभी आप पूरा स्टॉक देखिए। अभी हम कमर्शियल गाड़ी भी दिखाएंगे आपको, लोडिंग गाड़ियाँ भी दिखाएंगे, थ्री व्हीलर टू व्हीलर सब कुछ दिखाएंगे, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ हम आपको दिखाने वाले हैं। तो महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र के मुंबई की बात कर चुके थे, कोल्हापुर में नीलामी 73 गाड़ी का स्टॉक है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में कल नीलामी होने वाली है जिसमें आपको 71 गाड़ी की नीलामी कल देखने को मिलने वाली है। उसके बाद प्रयागराज यानी इलाहाबाद में कल नीलामी होने वाली है, 13 गाड़ियों का स्टॉक, 13-20 गाड़ी का स्टॉक वहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो हमारे पास जो पॉपुलर लोकेशन थी ऑलमोस्ट सारी कवर कर ली है हमने। हमारे पास जो स्टॉक बचता है, जो नीलामी की लोकेशन बचती है, अधिकतर साउथ की लोकेशन है, तो हम फटाफट फटाफट आपको बता देते हैं।
इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि हमारी आने वाली सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी किसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और फटाफट हम साउथ की लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। साउथ की लोकेशन में हमारे पास करीमनगर में 19 गाड़ियों की नीलामी है, गुलबर्गा में 39 गाड़ियों की नीलामी है, पठानपुर में 175 गाड़ियों की नीलामी है, वारंगल में 85 गाड़ियों की नीलामी है, एलवी नगर हैदराबाद में 58 गाड़ियों की नीलामी है, होस्टेट में 14 में नीलाम होने वाले हैं, उसके बाद महबूब नगर में 38 गाड़ियों की नीलामी है, मरियालगुड़ा में 5 गाड़ियों की नीलामी है, इस वर्ष करनाल में 30 गाड़ियों की नीलामी है, हुगली 90 गाड़ियों की नीलामी कल होने वाली है, वहाँ पर सहारनपुर में 27 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है, देवनगरी में 63 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है, गुंटूर में 84 गाड़ियों का स्टॉक कल नीलाम होने वाला है, उसके साथ विशाखापट्टनम में 127 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है, रामगढ़ में 44 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है, 44 व्हीकल्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, हस्ताम में 15 गाड़ियों की नीलामी है, उसके बाद येलंका में 140 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है, नीलमंगला में 79 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है, मैंगलोर में 20, उसके साथ चेन्नई में 39 गाड़ियों का स्टॉक नीलाम होने वाला है। और ये जो आप पीछे ओमनी की काफ़ी सारी गाड़ियाँ देख रहे हैं, ओमनी मारुति वैन, इसमें से कुछ गाड़ियाँ नीलामी में आएंगी, सारी गाड़ियाँ नीलाम में नहीं देखने को मिलेंगी आपको, इसमें कुछ गाड़ियाँ आपको कल नीलाम में देखने को मिलेगी, लगभग 2 से 4 गाड़ियाँ आपको कल नीलाम में देखने को मिल सकती हैं। हमारे पास थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक भी अवेलेबल है श्रीराम ऑटोमोबाइल इंदौर में, जो कल नीलाम होगा उसी के साथ हमारे पास कमर्शियल में भी 2 गाड़ियाँ अवेलेबल है जो कि 20 और 21 मॉडल की गाड़ियाँ हैं, आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। उसी के साथ हमारे पास 4 व्हील में अशोक लीलैंड 2017 मॉडल 46 नंबर का काफ़ी अच्छा व्हीकल हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास एक और गाड़ी अशोक लीलैंड में अवेलेबल है, तो काफ़ी सारा स्टॉक आपको श्रीराम ऑटोमॉल इंदौर में कल देखने को मिलेगा, तो आप इसे परचेस करें, आएँ 20,120 रुपये लेकर आएँ, बाकी पेमेंट आप 7 दिन में जमा कर सकते हैं। श्रीराम ऑटोमॉल की ये पॉलिसी है, 7 दिन में आपको पेमेंट जमा करके गाड़ी आपको रिलीज कराएंगे, कि जो भी गाड़ी आप खरीदते हैं एक्सपायर, आप कोई भी गाड़ी खरीदिए 7 दिन में पेमेंट जमा करिए, गाड़ी आपको रिलीज कराइए, 1 से 1.5 महीने में पेपर की प्रोसेस है, 1 से 1.5 महीना पेपर लीजिए, गाड़ी नाम ट्रांसफर कराइए और पेमेंट कराइए। तो ये सारी लोकेशन हम आपको बता चुके हैं, उसके बाद कुछ 5 लोकेशन और 6 लोकेशन भी रखती है, जो कि चेन्नई 39 गाड़ियाँ, सालेम 45 गाड़ियों नीलामी होने वाली है, उसके बाद चिदम्बरम में 16 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है, कुंभकोणम में 57 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है, कोचीन में 55 गाड़ियाँ, डिंडीगुल में 43 गाड़ियाँ और कोलाम में 98 गाड़ियाँ, तो ये सभी गाड़ियाँ कल नीलाम होने वाली हैं। तो हम आपको सारी लोकेशन की जानकारी बता चुके हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको इसको कहीं डालते हैं थोड़ा सा, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो नीलामी होगी उसमें 170 गाड़ियाँ नीलाम होने वाली है, और मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो नीलामी होने वाली है उसमें आपको 92 गाड़ियों का स्टॉक देखने को मिलेगा, तो ये प्रदेश की काफ़ी पॉपुलर लोकेशन भी आकर गाड़ी खरीद सकते हैं। और ये सभी नीलामी 10 फरवरी 2024 को होने वाली है, कंपनी की फर्स्ट नीलामी है ये इस मंथ की इन लोकेशंस में, तो आप आइए गाड़ी खरीदिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। अभी हम आपको प्रोसेस बता देते हैं एक बार फिर से, प्रोसेस रिपीट कर देते हैं कि जो आप 20,000 रुपये जमा करेंगे यदि आप गाड़ी परचेस कर पाते हैं तो ही आपकी पेमेंट यहाँ पर ब्लॉक होगी, अदरवाइज़ आपको जो आप रजिस्ट्रेशन फीस के साथ जमा करेंगे 120 रुपये के साथ, तो आपका 120 रुपये जो 20,000 रुपये आपको सेम डे रिफंड मिल जाएगा, यदि आप कैश मोड से पेमेंट करते हैं तो आपको सेम डे मिल जाएगा, यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं तो फिर आपके खाते में ऑनलाइन के माध्यम से वो पेमेंट आएगा, जैसे कि 7 दिन के अंदर कंपनी का प्रोसेस है तो उसमें वो पेमेंट आपको रिफंड मिलेगा। तो ये जो ट्रैक्टर भी आप देख रहे हैं ये सब श्रीराम ऑटोमोबाइल इंदौर का स्टॉक हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे ट्रैक्टर लाइनअप हो चुके हैं, कल नीलामी में आएंगे, तो आप इन्हें परचेस करें आकर, काफ़ी अच्छा स्टॉक श्रीराम ऑटोमोबाइल इंदौर में कल आपको देखने को मिलने वाला है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।